जबलपुर में प्रियंका गांधी के पोस्टर के साथ बजरंग बली की गदा, यानी कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में बजरंग बली की एंट्री। इस वक्त हमारे साथ है अरुण यादव, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। सर, मतलब बजरंग बली मुद्दा है क्यों? बजरंग बली की आराध्य हम नहीं है, हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते? ये सारा ठेका भाजपा ने ले रखा है क्या देश भर में? जिस तरह से कर्नाटक का जो चुनाव हुआ है और वहाँ पर भी बार बार इस तरह की व्यवस्था करके चुनाव को डिस्टर्ब करने का कोशिश की जा रही थी, वो नहीं हो पाई। लेकिन आप तो मतलब बीजेपी तो कह रही ना कि जो अली अली करते थे वो बली बली करने लगे, चुनाव आ गए। तो ये मैं वही कहना चाहता हूँ कि ठेकेदार ये हैं कि हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, हम हनुमान जी का नाम उनकी पूजा नहीं हम लोग कर सकते क्या? ये भाजपा का जब चुनाव आता है, चाहे वो देश में किसी भी स्टेट में चुनाव हो, ये इनका एक मूल प्रोग्राम एजेंडा है भाजपा का, और उस एजेंडे पर वो बुरी तरह फेल हुए कर्नाटक में। तो मतलब लेकिन कांग्रेस के लिए भी तो ये कहा जा सकता ना कि मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बात करें। मुद्दों की बात तो जनता कांग्रेस करती रही है, हम तो इनसे पूछना चाहते हैं 20 साल में आपने क्या किया? आपको 20 साल मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल किया आपने, आपको जनता ने जिता कर भेजा, आपने इस प्रदेश के लिए क्या किया माननीय मुख्यमंत्री बताइए? आज मध्य प्रदेश में हमारी बहनें सबसे जिस बहन बेटी की ये बात कर रहे हैं, वही बहन बेटी आज मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा असुरक्षित, देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित बहन बेटियाँ किसी प्रदेश में तो मध्य प्रदेश है। आज मध्य प्रदेश का बेरोजगार नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार उपलब्ध नहीं है। मतलब आप तो कहना ये